लेकिन ये वास्तविकता है, पूर्ण रूप से वास्तविकता है, और आप लोग महसूस करेंगे अगर फेल नहीं होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि सफल होने का रास्ता क्या है। एक रास्ता तो बंद हुआ ना, फेल हो गए तो पता ही, ये तो नहीं करना है दोबारा, एक तो कम हुआ। नेक्स्ट, और दूसरी मेहनत, एक मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है आउटलायर्स, उसमें उसने एक फंडा दिया है कि जिसको भी हम जीनियस मानते हैं ना, वो जीनियस क्या होता है, वो मेहनत होती है। उसने एक थ्रेशोल्ड बताया कि अगर आप 10,000 घंटे तक कुछ भी करोगे तो आप उसमें निपुण हो जाओगे। तो आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर जब पैदा हुआ, तो पैदा होते ही वो महान क्रिकेटर बन गया था। जिस जिस भी सक्सेसफुल व्यक्ति को आप देख रहे हो, उस सब ने मेहनत की है, और उसने ये साइंटिफिकली प्रूफ किया है इस किताब में कि 10,000 एक थ्रेशोल्ड है, 10,000 घंटे आप मेहनत अगर कर लोगे तो आप कुछ भी कर सकते। ईमानदारी, ये भी बड़ा खिंचा पिटा टर्म है आज के जमाने में, लेकिन मैं इसको दूसरे कंटेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ। अपने आप से ईमानदारी मतलब क्या है कि अपने आप को, अपने आप से कम धोखा मत दें, अपने आप को झूठ ना बोलें, और अपने आप को माफ़ करना सीखें। गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली शायद यही बताया जाता है बचपन से कि गलती अगर हम करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई और ये अच्छी बात नहीं होती है। तो गलती करिए और अपने आप को माफ़ करना सीखिए गलती करने के बाद, उसको लेकर मत बैठिए हमेशा, वरना उससे बहुत दिक्कत होती है मेंटल हेल्थ में। नेक्स्ट, फिटनेस बहुत ज़रूरी है, अभी रियलाइज नहीं होता है, मुझे भी नहीं होता था जब मैं आपकी उम्र का था, लेकिन जैसा मैंने कहा 35 साल के बाद या अलग अलग उम्र होती होगी, 36 साल 37 साल, जो भी, एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप रियलाइज करेंगे कि अगर आपने कुछ आमूलचूल परिवर्तन नहीं किए अपने जीवन शैली में, एक घंटे का समय आपने नहीं दिया अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। घूमिए, यस सर, जितना घूम सकते हैं घूमिए। अब जैसे यहाँ हैं आप जालौन में, बुंदेलखंड में इतनी चीज़ें हैं घूमने के लिए, जब मौका मिलता है, अभी मैंने कुछ सुन रहा हूँ कि टाइम नहीं मिलता है, टाइम तो निकालना पड़ेगा, बाकी चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है, तो जितना घूम सकते हैं घूमिए। कुछ हॉबी पैशन ज़रूर होनी चाहिए, यस सर, अपने प्रोफेशन से अलग कुछ भी होना चाहिए, वही आपके जीवन को डिफाइन करेगी। आपका आपका प्रोफेशन जो है वो एक पार्ट है केवल, वो आप नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है जो कि प्रोफेशन को, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, केवल मेडिसिन प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने प्रोफेशन की भी बात कर रहा हूँ, दूसरे भी, वही उसका पूरा जीवन वही हो जाता है, वही सोशल सर्कल होता है, उसी में हम जीते हैं, घर पर भी वही होता है, सब कुछ बर्नआउट हो जाएगा। कुछ हॉबी पैशन आपकी होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, आप गार्डनिंग करिए, आप योगा करिए, आप लिखिए, आप पढ़िए, मूवी देखना भी एक हॉबी पैशन हो सकती है, एक तरह की मूवी देखिए सारी, देखने वाले देखते हैं, ब्रेक जरूर लिया करिए, घूमने के लिए कुछ भी करने सब कुछ ट्राई करिए। इसको मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है और इसका विश्लेषण नहीं करूंगा। और उम्र, एज जो है वो सबको बढ़ना ही बढ़ना है। अगेन ये मिड लाइफ क्राइसिस आ जाती है जब 35 साल के हो जाते हो कि अब जीवन की दूसरी पारी की तरफ बढ़ रहे हैं, अब क्या होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज्ञान आ जाता है, जैसे मेरे अंदर आ गया, आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। एज लाइक ओल्ड वाइन, ओल्ड वाइन को मतलब वाइन को कहते हैं ना, कितनी एज होती है उसका उतना अच्छा होती है। यस सर, ये स्टडीज़ भी हैं कि जो सबसे क्रिएटिव और सबसे प्रोडक्टिव डेकेड होता है किसी व्यक्ति के जीवन का, वो 60 से 70 के बीच में होता है, और जो सेकंड सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव अवधि होती है वो 70 से 80 के बीच में होती है। अधिकांश जो आपकी डिस्कवरीज हुए हैं, सब कुछ हुआ है, वो 60 से 70 से 80 के बीच में हुआ है। यस सर, तो
अभी तो आप लोग के पास समय ही समय है। और एक मेरा फेवरेट ये कार्टून है, मैं इसको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग अपने ये विनी द पू करके बड़ा अच्छा है, छोटे छोटे डेढ़ डेढ़ दो दो मिनट के होते हैं, गूगल सर्च करिएगा और कभी देखिए, यहाँ नहीं दिखाऊंगा मैं, वैसे हाइपर लिंक है लेकिन छोड़ दीजिए, बड़ी जीवन की सीख मिलती है इससे। अगली बार जब मैं आऊँगा तब मैं पूछूंगा कि क्या सीखा आप लोगों ने इससे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड जाइए, और फाइनली ये अंतिम स्लाइड है, इसको क्लिक कर दीजिए, वो जो यूट्यूब लिंक है ये अंतिम, इसके बाद नहीं कुछ बोलूंगा। This message is especially for all the young people in the room. कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, रहजन रॉबर, हाईवे रॉबर। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है। कुछ लोग तुम्हें, ब्यूटीफुल, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाए। मान लेता हूँ कि ये ब्लॉग मेरे लिए